हसन साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमाराती सरमायाकारों को दावत देते हुए कहा है कि पाकिस्तान 22 करोड़ की कंज्यूमर मंडी है, सरमायाकारी करें। देखो, पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तानियों के जो हालात हैं, ये 100 करोड़ भी हों तो ये बात बिल्कुल बेवजन है, बेमानी बात है। उसकी वजह है, कंज्यूमर तो है लेकिन उसमें तो कैपेसिटी नहीं है, बाइंग पावर ही नहीं है। बिल क्लिंटन वे बैक इंडिया के दौरे पे आए, जब हमारे भी वो हाथ लगा के गए थे, उनकी बेगम भी साथ थी, ताजमहल में दो बातें बड़ी खूबसूरत की उस आदमी ने। एक तो उसने कहा कि दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, ताजमहल के देखो याददाश्त इस बुढ़ापे में कितनी अच्छी जा रही है, माशाल्लाह। उसने कहा दुनिया में दो ही किस्म के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल देखा है, एक वो जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा। अच्छा, मैंने एक से ज्यादा बार देखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात उस बंदे ने की कि हम हिंदुस्तान के साथ हर कीमत पे अच्छे ताल्लुकात इस तरह की बात की रखना चाह रहे हैं, चूंकि जितनी अमेरिका की आबादी है उससे ज्यादा तो हिंदुस्तान में मिडिल क्लास है, यही फर्क है। यानी पीपल हु कैन अफोर्ड टू बाय, हम 22 नहीं, हम मैं कहता हूं 52 करोड़ों आटा खरीदने की कैपेसिटी ना हो तो ये जो आपके यूएई के, याद रखना ट्राइबल बड़ा सेना होता है, कबायली से ज्यादा सेना कोई नहीं होता, और वैसे भी अरबों की तो घुट्टी में है तिजारत, वो हंसते होंगे कि हमें चूना लगा रहा है, हमें बेवकूफ बना रहा है, ये भूखानगा मुल्क है, तो रोटी खरीदने के काबिल नहीं है। वो इस तरह की बातें ना करें, बेवकूफ बनने के लिए हम जो 22 करोड़ 24 करोड़ बैठे हैं, हमारे साथ अपना रांझा राजी करो। वो अरब इमारात के सरमायाकारों को, एक तो वो ट्राइबल, ऊपर से उनकी तो तारीख तजारत की है, वो बड़े सियाने हैं। जैसे ये फजूल बात है कि यहां करे सरमाया करे, पल्ले नहीं तेला कर दी फिर दी मेला मेला, ऐ वही खाम खा।